नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। घाटी से अनुच्छेद 370 को हटाए लगभग एक पखवाड़ा होने को आया, लेकिन इस मसले पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही और इस संबंध में फिलहाल मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। राहुल को मलिक ने घाटी को लेकर न्योता दिया, इस कड़ी में हर एक नया पहलू जुड़ गया उसके बाद, और 370 के सियासी धागे को खींचने का काम कर रहा है। आखिर क्या होगा इस टकराव का नतीजा और क्या आने वाले दिनों में इसका घाटी की सियासी फिजाओं पर कोई असर दिखाई देगा, इसी मुद्दे को लेकर पेश है हमारा विशेष चलो कश्मीर। Preventive detentions are being continuously reviewed and appropriate decisions will be made based on law and order assessments. It is expected that over the next few days, as the restrictions get eased, life in Jammu and Kashmir will become completely normal. तो जम्मू कश्मीर प्रशासन का दावा है कि घाटी में बहुत कुछ हालात काबू में आ गए और बाकी बचे जल्द ही काबू में आ जाएंगे। बहुत संभव है कि मुख्य सचिव बीएस सुब्रमण्यम के इस दावे में दम हो और जल्द ही घाटी में शांति कायम हो जाए, लेकिन सियासी तौर पर फिलहाल यहां कुछ शांत होता नजर नहीं आ रहा और इस संबंध में मोर्चा संभाल रखा है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने, जिनके बीच का ट्वीट वार इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कहां से शुरू हुआ यह मसला और अब तक कहां पहुंचा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने घाटी की हिंसा की खबरों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा पीएम मोदी को इस संबंध में सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल के इस बयान को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा मैं राहुल को न्योता देता हूं, उनके लिए प्लेन भेज रहा हूं। राज्यपाल ने राहुल गांधी को जमीनी हालात जानने की सलाह भी दी। राहुल ने पलटवार करते हुए कहा मैं कब जम्मू कश्मीर आ सकता हूं। राहुल ने कहा मैं विपक्षी दलों के साथ वहां जाऊंगा, मुझे लोगों से मिलने दें। इस ट्वीट पर राज्यपाल का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर ट्वीट किया। राहुल ने फिर कहा मैं बिना शर्त जम्मू कश्मीर आना चाहता हूं, बताइए कब आ जाऊं। कुल मिलाकर इस वक्त घाटी के हालात ने राज्यपाल और राहुल गांधी के बीच एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है जिसके आसपास मामले से जुड़ी सियासत सिमट गई है। हालांकि इस संबंध में बीजेपी ने अभी तक सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आगे चल के ये मसला कितना तूल पकड़ता है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो चलो कश्मीर, आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब किस तरह के हालात बन रहे हैं सियासत के। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं, तारुफ करा दूं, जो इस डिबेट में इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार के सक्सेना साहब, बहुत स्वागत करते हैं के साहब आपका। हमारे साथ में हैं अजय शाह साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत अजय शाह साहब आपका, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी, बहुत स्वागत करते हैं चेतन जी आपका। शाह साहब, सबसे पहले आप पर ही आता हूं। प्लान तैयार है, राहुल गांधी कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं? सब प्लान तैयार नहीं है जी। प्लान का एक तो क्या, पहले आपने न्योता दिया, आप ही ने कहा, उसके बाद उससे मुकर गए। तो ये जो राज्यपाल महोदय है, आप भी जानते हैं उनका बैकग्राउंड, वो सिर्फ एक फ्रंट लाइन है बीजेपी की। उनके जैसे ही क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं और बैकट्रैक कर देते हैं। दो मुही बातें, जिस तरह की बीजेपी नोन है उसी तरह के राज्यपाल साहब भी वो कर रहे हैं। साहब आप ये बताइए कि आपने 370, पहली बात तो यह है कि चेतन भाई यहां बैठे हुए हैं, सक्सेना साहब भी यहां बैठे हुए हैं, मैं इस चीज से मुतमीन नहीं हूं कि धारा 370 हटा दी गई है जी। धारा 370 सिर्फ डाइल्यूट की गई है, आज भी धारा 370 है, ये आपके दर्शक भली भांति जानते हैं और मैं फिर से उसको रिट्रेट करना चाहता हूं। अब आप देखिए कि कश्मीरी आवाम के लिए
धारा 370 हटाई गई, ऐसा बीजेपी का कहना है। अब मेरे लिए, मेरी भलाई के लिए कुछ आप कर रहे हैं और मैं ही उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, तो भाई ये एक तरफा ताली बजाने वाली बात नहीं हुई क्या? और एक तरफा ताली कितने दिन बजाएंगे? कभी बजाई जा सकती है? कभी पॉसिबल हुआ है क्या? तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी गवर्नर साहब बोल रहे हैं उससे कांग्रेस बिल्कुल भी सहमत नहीं है, और वो अब आगे पीछे कर रहे हैं। आप ये बताइए, वहां कर्फ्यू है ना? कर्फ्यू कहते हैं कि साहब कर्फ्यू हटा लिया गया, सेक्शन 144 है। आप ही ने बताया कि दबोल साहब वहां पे जाके वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन वार्तालाप पब्लिक से नहीं कर रहे हैं, वो आर्म फोर्सेस से, जवानों से कर रहे हैं। उसके बैकग्राउंड में आपने देखा पूरी की पूरी यहां से वहां तक दुकानें सब बंद है, चिड़िया भी पर नहीं मारती। तो आपको आपको शंका इसी बात को लेकर है कांग्रेस को? दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं, राहुल गांधी को बुला रहे हैं राज्यपाल, लेकिन कह रहे हैं सारे विपक्षी दलों के साथ में जाऊंगा। आप लोगों को शंका यही है कि जो स्थिति बताई जा रही, दिखाई जा रही, वैसा नहीं है, इसके उलट है? नहीं, देखिए आप बीबीसी वर्ल्ड सर्विस आप जानते हैं कितनी विश्वसनीयता है अंतर्राष्ट्रीय, मैं मध्य प्रदेश या भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कितनी विश्वसनीयता है पूरे विश्व में, वो क्या बता रहा है? आप अल जजीरा छोड़ दीजिए, सीएनएन देख लीजिए, आप क्या बोलते हैं वाया जो वो है उसको देख लीजिए। तो अभी जो बता रहे हैं वो एक मुखी जैसा रुद्राक्ष होता है साहब, ये जो कुछ हमको दिखाया जा रहा है सब कुछ शांत है। अगर शांत है तो लोग बात को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों वहां पे पहली बार हुआ है छठी मुबारक हूं। अजय शाह साहब दोबारा आऊंगा, चेतन जी हमारे साथ में है, चेतन जी क्या कहेंगे? पहले न्योता दिया गया राहुल गांधी को, फिर उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के साथ में आऊंगा, तो अभी तक कोई सतपाल मलिक जी का कोई जवाब नहीं आया है। देखिए राजेश जी, जिस प्रकार से अनुच्छेद 370 और 35 से हटी है और उसके बाद से जो लगातार कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश में पाकिस्तान के नेताओं की कोई कमी नहीं है। आज आम आदमी इस बात को महसूस करता है कि क्या पाकिस्तान के नेताओं की भाषा हिंदुस्तान के नेता बात कर रहे हैं? जिस राज्य में आतंकवाद से 14,000 लोग मारे जाते हैं, 4,00,000 कश्मीरी पंडित अपने घर में निर्वासित जीवन जीवन यापन कर रहे हों, 2700 हमारे सेना के सैनिक मारे जाते हों, असंख्य ऐसे लोग हैं जिनका घाटी में कहां चले गए पता नहीं चला, और अगर उस पर सरकार कोई एक्शन लेती है तो सरकार के साथ बजाय खड़े होने के ये और इनकी पूरी पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक में कहती है कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मामला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगा, पटल पर आएगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस की कथनी और करनी इस देश की इस पीढ़ी ने पहली बार बहुत नजदीकी से बहुत करीबी से देखा, और अब हिंदुस्तान की इस पीढ़ी को समझ में आ गया है कि देश की आजादी में किसका कितना योगदान रहा, इसके सर्टिफाइड करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, मेरे मित्र कह रहे हैं कि बीबीसी और अल जजीरा और फलाना और ढिमका और सीएनएन और बायर, क्या देश की मीडिया पर आपको भरोसा नहीं है? क्या देश के लोकतंत्र के चौथे खंभे पर आप आक्षेप लगाने से भी नहीं चूकोगे? राजनीति में कितना गिरोगे? इतना तो मुन्नी भी नहीं गिरी थी जितना कांग्रेस गिर गई आज की राजनीति में। आप जवाब देने की स्थिति में नहीं हो। सीजीआई साहब ने आज क्या कहा है? बहुत स्पष्ट कहा है, जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की थी कि धारा 370 को हटाया जाए और उस पर बात की जाए, सीजीआई साहब का बयान अगर पढ़ लें तो मुझे लगता है कि खुद का आत्ममंथन करने के लिए बहुत पर्याप्त है सीजीआई साहब ने कहा। लेकिन चेतन साहब, एक बड़ा सवाल यहां पर ये है, राहुल गांधी को आपने बुलाया, फिर उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो विपक्ष के साथ में आएंगे, जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियां हैं, ईद पर भी देखा पूरे ये दिखाया गया कि नहीं अमन चैन है, शांति है, और धीरे धीरे घाटी का जो जीवन है वो वापस लौट रहा है, तो फिर क्यों इतना विलंब? क्यों अभी बीजेपी की तरफ से कोई इसको लेकर बयान नहीं आया कि भाई आप विपक्ष के साथ में भी आइए? ठीक है, जो कंडीशन जम्मू कश्मीर को लेकर हो उनको देखते हुए आइए। देखिए राजेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि एक समय था आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी हुआ करते थे, तब लाल चौक पर झंडा फहराने की भारत सरकार की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। तब उस समय प्रोटेस्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं श्रीनगर के लाल चौक पर जाऊंगा, मैं झंडा फहरा करके आऊंगा। कमोबेश अगर परिस्थितियां इतनी साधारण होती तो इतने लोग मारे क्यों जाते भाई? धारा 370 आज हम हटाने की जो हमने कवायद की, हमको हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? अन्य राज्यों में भी अनेक धाराओं का प्रचलन है, लेकिन कहीं भी देश के खिलाफ इस तरह की देशद्रोह की आवाज क्यों नहीं उठती? मुझे लगता है कि यहां पर जो पौधारोपण अलगाववाद का किया गया है,
जो पौधारोपण आतंकवाद का किया गया है, मैं राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी से निवेदन करता हूं कि अगर देश में इतनी शांति के हालात हैं तो सारी सुरक्षा वापस क्यों नहीं कर देते? दिल्ली में रहने के बाद तुम इतनी सुरक्षा मांगते हो, जम्मू कश्मीर में रहने के वाले को आप क्या ऐसे छोड़ दे? मुझे लगता है राजेश जी, परिस्थितियां सामान्य होने में समय लगेगा, और समय लगेगा ये अलग विषय, लेकिन आज राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़िए आप, उन्होंने कहा है कि घाटी में सेना खून खराबा कर रही है, जिस देश की राजनीति में इतनी गंदगी की कीचड़ हो, जो अपने शौर्य को सैल्यूट करने के बजाय सदैव अपमानित करने का काम करते हो, मुझे लगता है देश की सेनाओं ने अगर थोड़ा सा भी दाएं बाएं करवट बदल ली तो इस देश का इतिहास भी नए तरह से हमको लिखना पड़ेगा। चेतन जी, दोबारा आता हूं आपके पास में, वरिष्ठ पत्रकार के सक्सेना साहब हैं। सक्सेना साहब क्या कहेंगे जिस तरह के हालात, अब देखा लंबे समय से तमाम किरदार थे, लेकिन अब जो मैच है वो राहुल गांधी वर्सेस राज्यपाल, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं या जो राज्यपाल कह रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों में किस रूप में देखते हैं आप? राजेश जी, क्या है कि वर्तमान परिस्थिति की ये मांग है कि सारे विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को वहाँ जाना चाहिए। जिस तरह से वहाँ की जनता आज कहते हैं 10 दिन हो गए हैं कर्फ्यू में, बिना रोजगार के, बिना कहते हैं खाने पीने के रह रही है, उनके सगे संबंधियों से उनके संपर्क नहीं हो पा रहे हैं, उनमें एक अंदर से भय व्याप्त है, उस भय को दूर करने के लिए ये अत्यावश्यक है के सभी दलों के प्रतिनिधि कश्मीर जाएं, वहाँ पर लोगों को उनसे मिलें और वो जो देख के आएँ वो फिर अपना वक्तव्य दें, और उससे वहाँ के जो रिश्तेदार यहाँ हैं उन सबको एक सांत्वना हो। ये सरकार का धर्म बनता है, प्रतिनिधिमंडल को जाने देना चाहिए, राजनीति करने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी देश के लोग हैं। ये लोग अगर वहाँ जाएंगे तो कोई आतंकवाद फैलाना तो जाएंगे नहीं, वहाँ कोई किसी को भड़काने तो जा नहीं रहा, वो सिर्फ परिस्थिति देखने जाने के लिए कह रहे हैं, तो जाने देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी तो इस देश में होना चाहिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कहते हैं खूबी यही है कि सब चीज़ें साफ हों, लोगों के सामने सारी चीज़ें आएँ, इस आधार पर ही सारा काम। जैसे मेरे भाई ने कहा अभी, भाजपा के प्रवक्ता जी ने, कि 370 हटा दी गई है, तो 370 नहीं हटी है, उसके प्रावधान हटे हैं। 370 अगर हट जाएगी तो आगे काम करने का उसमें जो एक प्रावधान है वो प्रावधान अभी भी जिंदा है कि राष्ट्रपति के निर्णय से इसको बदला जा सकेगा, वो प्रावधान नहीं हटाया, धारा 370 पूरी तरह नहीं हटी है, ये स्पष्ट रूप से हमको समझना चाहिए। लेकिन सक्सेना साहब, सबसे बड़ी बात ठीक है आपने जो बात कही, राहुल गांधी को जाना चाहिए, विपक्ष को जाना चाहिए, क्या कुछ अकेले की नहीं है सर, बिल्कुल क्या कुछ हालात है वो देखना समझना लोकतंत्र में सभी को है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयान है, अगर बयानों का जिक्र करें तो इतनी शंका क्यों है? क्या वही जो मैं अभी सवाल कर रहा था कि कहीं ना कहीं स्थितियां परिस्थितियां दूसरी है, लेकिन जिस तरह से अजय शाह साहब ने जिक्र किया, कुछ मीडिया हाउसेस का जिक्र किया, लेकिन ऐसी भी बातें आई कि पाकिस्तान ने कई ऐसे खबरों को क्रिएट करके उनको सामने लाए, विजुअल कहीं के थे, स्थितियां परिस्थितियां कहीं की थी, तो ऐसे में एक जिम्मेदारी की सभी की बनती है सक्सेना जी, चाहे वो विपक्ष का रोल हो या फिर सरकार का रोल हो। तो ये भाई यही बात तो कह रहा हूँ कि सरकार का रोल इसमें कहते हैं दिखना चाहिए जनता को, भाई पाकिस्तान तो कुछ भी करेगा और वो उससे लोगों में भय व्याप्त होगा, लोग मिसगाइड होंगे, तो उस मिसगाइड जो वो कर रहे हैं वो कहते हैं साफ होना चाहिए ना स्थिति। अब वो आप एक तरफा आप ही कह रहे हैं कि वहाँ शांति है, आप कहते हैं वहाँ के वीडियो दिखा रहे हैं, जैसा अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वहाँ बाजार बंद दिखते हैं और डोभाल साहब अकेले वहाँ खड़े बात करते हुए दिखते हैं, तो ये जो परिस्थिति है इससे कुछ शंका तो है ना लोगों के मन में, ये जरूरी नहीं है। ये सबसे ज़रूरी ये है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा मिले, वहाँ के लोगों को खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर हो, वहाँ जो है लोग भय के वातावरण में ना जिए, ये हमारा ये सरकार का भी और एक मानवता का भी धर्म है, और इसके लिए जरूरी है कि कोई जिम्मेदार लोगों का दल जाए, वो पूरा घूम के आए और फिर आम जनता को बताए कि जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है, थोड़े दिन में परिस्थिति ठीक हो जाएगी। चलिए चेतन जी, आऊंगा आपके पास में, शाह साहब का कमेंट्स ले लें, काफी देर से इंतजार है उन्हें, क्या कहेंगे शाह साहब जिस तरह से विपक्ष या कहें बीजेपी, मध्य प्रदेश में कहूंगा सत्ता में तो बीजेपी वहां पर है, चेतन जी ने जो सवाल खड़े किए हैं,
सब चेतन जी ने जो बहुत जो सवाल किए हैं बहुत तल्ख लहजे में किए हैं उनका स्वागत है, क्योंकि भाई हम एक दूसरे के विरोधी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अब ये देखिए, लाल चौक का झंडा फहराने वाली बात है, शुरुआत तो साहब वहीं से हुई थी। 1990 के पहले वहां पे कितना टूरिज्म था, आज सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू है या बैकबोन है जो कश्मीर का, वो टूरिज्म है। और टूरिज्म 1990 के बाद खत्म हुआ है। आपने एक बहुत अच्छी चिंता व्यक्त की थी। अब मैं आपके साथ हूं, कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी पंडित वहां से, आपने 4 लाख बोले, 4 लाख नहीं है, 2 लाख करीब है, वो बाहर है, लेकिन बहुत बुरी जिंदगी वो जी रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित ने कश्मीर कब छोड़ा, 1990 में। सरकार किसकी थी, वीपी सिंह की। समर्थन कौन कर रहा था, भाजपा। पहली बार हिंदू की अपने आप को पार्टी कहलाने वाली छड़ी मुबारकबाद, इतिहास में पहली बार इस पंचमी पे छड़ी मुबारकबाद अपने घर से नहीं निकली। आज 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 भी वहां पे राज केंद्र में किसका है, बीजेपी। तो ये बीजेपी का दोहरापन था। और लाल चौक की बात, झंडा फहराने की बात करते हो, बड़े 56 इंच की सीने की बात करते हैं साहब, उस वक्त भी 56 इंच का सीना वहां नहीं गए थे। उन्होंने बोला था पैदल जाके मैं झंडा फहराऊंगा, स्टेशन वो क्या बोलते हैं, एयरलिफ्ट की गई थी उनको। तब इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि कथनी और करनी में हर समय इनका अंतर होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये कहते हैं जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हमारा क्या, पूरे भारत का है, उसमें मैं भी शामिल हूं। लेकिन बलिदान कौन सा भाई साहब, कश्मीर में मुखर्जी साहब हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने छिंगी उंगली में खून भी नहीं निकाला। ये वही मुखर्जी साहब हैं जो 1943 में मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में मंत्री थे, जहां टू नेशन थ्योरी में उन्होंने पारित किया था कि सक्सेना साहब है, आप भी हैं, इस चीज को मानेंगे। और ये वही मुखर्जी साहब हैं जो संवैधानिक सभा के सदस्य थे, जहां धारा 370 जब इनकॉर्पोरेट हुई थी उसमें उनके भी साइन है। चलिए चेतन जी, देखिए मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बातें की, इतिहास में थोड़ा हमको झांकना भी चाहिए। राजेश जी, हमारा तो उदय सन 6 अप्रैल 1980 का है, हम तो उस पिक्चर में कहीं थे नहीं। क्यों बंगाल में अलग धाराएं थी, क्यों जम्मू कश्मीर में दो प्रधान, दो संविधान, दो निशान, दो वजीरे आला आपने तय किए, क्यों नागालैंड में आपने अलग धाराएं लगा के रखी है, क्यों बिहार में अलग धाराएं क्रिएट की गई, क्यों हिमाचल प्रदेश, ये सारी चीजों पर हमको विश्लेषण करना चाहिए। मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात उठाई, मैं आपको बधाई देता हूं अजय जी, कम से कम आपने इतिहास को कुरेदा। तो 1980 के बाद कितनी बार आपकी सरकार आई, जो कश्मीरी पंडितों के आप बात कर रहे हैं कि हमारे समय में चले गए, हम तो कभी सरकार का साहब मुंह ही नहीं देखा। हम तो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, बहुत दबे कुचले लोग हैं और बहुत धक्के खा करके यहाँ तक आए, और जनता ने आशीर्वाद दिया तो उसकी कृपा से दूसरी बार पूरे बहुमत के साथ आए। और जब हमको दूसरी बार हम पूरे बहुमत के साथ आए हैं तो हिंदुस्तान हमारा पूरा बहुमत का रंग भी देखेगा। इस देश में दो धाराएं नहीं चलेंगी, दो संविधान नहीं चलेंगे, दो विचार नहीं चलेंगे, दो प्रधान नहीं चलेंगे, ट्रिपल तलाक नहीं चलेगा, कॉमन सिविल कोड आएगा आएगा आएगा। ये कई ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आज मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि जिस कश्मीर को लेकर के आज जो मुस्लिम संप्रदाय की हम बात करते हैं, मुस्लिम संप्रदाय तहे दिल से इसका कहीं ना कहीं इस्तकबाल कर रहा है, लेकिन मेरे कांग्रेस के मित्रों को पता नहीं इतना दर्द क्यों हो रहा। गुलाम नबी आजाद साहब क्या कहते हैं कि कश्मीर जो डोभाल साहब के साथ हैं उनको पैसा दे करके, क्या कश्मीर को आज दिन तक आपने पैसा दे करके खरीद करके चलाया क्या? क्या आपने पैसे के दम पर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को 62 साल तक जिंदा रखा, अपनी जेब में रखा? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। और मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि हमारे आने के बाद ये सारी जो गतिविधियां हुई हैं, तो मैं मेरे मित्र से बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, एक बात तय करो कि आप पाकिस्तान के साथ हो कि भारत के साथ हो, क्योंकि आपकी वाणी, आपके विचार, आपके बोल और आपके नेताओं के जो संस्करण है। लेकिन एक चीज है, मैं जवाब देता हूं मुझे एक सेकंड, ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप किसके पक्ष में भाषा बोल रहे हो। आप क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का मैटर इसको कश्मीर को मानते हो या भारत का द्विपक्षीय मामला मानते हो, आपको बताना पड़ेगा। आज यूएन में जो इतिहास में, यूएन के इतिहास में बैकडोर से पहली बार एंट्री हुई है, पहली बार ऐसी बैठक हुई है, 5 में से केवल चाइना अकेला पड़ गया। भारत के पक्ष में 4 स्थायी सदस्यों ने भारत का खुलकर के समर्थन किया है, और जो 11 अस्थायी सदस्य थे, पोलैंड, पोलैंड को छोड़ दीजिए, उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसी के यहाँ के
सदस्य के कहने पे बैठक बुलाई, 10 अस्थायी सदस्यों ने भारत की बात का समर्थन किया है। किस बात की बात करते हो? अंतरराष्ट्रीय पटल से लेकर के हिंदुस्तान के सारे पटल पर आज देश की जनता लेकिन भारत सरकार के फैसले के साथ खड़ी है। चेतन जी, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस बात का डर है? अगर शंका किसी तरह की है तो सभी को जानने के हालात जानने का अधिकार है, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी जा रहे हैं या विपक्ष के साथ में जा रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों रोका जा रहा है? राज्यपाल क्यों अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि नहीं आप भी आइए और विपक्ष के साथ में आइए? आपने राहुल गांधी को तुरंत न्योता दे दिया, प्लान भी तैयार हो गया, लेकिन बाकी अगर उन्होंने विपक्ष के लिए कहा है तो उनको भी जाने दीजिए। राजेश जी, जिसको विपक्ष का मांग करेगा कोई आप विपक्ष के लीडर तो हो नहीं। किसी ने आपको अधिकृत किया है कश्मीर के मामले में राहुल गांधी जी बात करेंगे तो आप बता दिए, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सन 1994 में लगातार घाटी में 6 महीने कर्फ्यू रहा है, लगातार 6 महीने कर्फ्यू रहे सर, तब किसी की आवाज क्यों नहीं उठी थी? मैं इसका प्रश्न का उत्तर जरूर मेरे मित्र से जानना चाहूंगा कि 6 महीने लगातार होने के बाद भी किसी भी कांग्रेस की नेता जवान क्यों नहीं पटल पर खुली कि यहां से कर्फ्यू हटना चाहिए, वहां के लोगों को आजादी मिलना चाहिए, वहां के लोगों को असुविधा हो रही। हमने तो केवल परिस्थितियों में अगर निर्णय किया है, कोई असामान्य परिस्थितियां नहीं आए, कोई अलगाववादी ताकतें वहां पर गाड़ी, हमने इसलिए वहां पर सारे चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की। तत्काल जवाब लिए भी लेता हूं साहब। नहीं साहब, ऐसा है, आपने दो झंडे की बात की जी। आज कल आपने देखा नागालैंड में क्या हुआ, वहां तो झंडे 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 ही झंडे थे लेकिन तिरंगा एक भी नहीं था, बीजेपी ने कुछ बोला। आज सदैव वाजपेयी जी का क्या दिवस है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे चेतन जी भी जानते हैं, बहुत बढ़िया श्रद्धांजलि बीजेपी के प्रवक्ता ने कही आज। तो उन्होंने कहा साहब इसके पहले तो हम अब थे ही नहीं, अभी अभी दूसरी बार हम आए हैं। मतलब बीजेपी की जो सरकार थी, वाजपेयी जिसके मुखिया थे, वो पूरे बहुमत वाले बात नहीं, मैंने राजेश जी देखिए आप इनको दिखा दीजिए, मैंने पूरे बहुमत वाले बात कही है या नहीं, नहीं आप दिखा दीजिए, इतना इसमें आपको मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। मैंने जो वक्तव्य दिया है आप बोलिए, आप अपने समय पे जो बोलना है बोलिए, ठीक है ना, आप बोलिए जरूर, है ना। तो मैं तो सबसे इतना बोलना चाहता हूँ कि दो झंडे जब जो थे, जब आप एक बात बताइए, नैरेटिव इन बीजेपी के हर समय यही होता था, अगर आप बीजेपी के साथ नहीं है तो आप पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चले जाओ, बीच में कुछ नहीं होता। दूसरी चीज ये है, आप मुझे बताइए अगर यही नैरेटिव था तो आज से 4 साल पहले जब पीडीपी के साथ इन्होंने सत्ता शेयर की थी तब क्या वो सही थे, या तब वो ये सही थे तब उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ा था? आप दोनों जगह सही नहीं हो सकते। आप तब सही थे जब उनके साथ उन्होंने गठबंधन, वो 3.5 साल लिव इन रिलेशन के में रहने के बाद इनको मालूम पड़ा कि वो तो आतंकवादी संगठन है। कमाल की बात है साहब, कमाल का नैरेटिव ये बताते हैं। चलिए के सक्सेना साहब, सक्सेना जी, जिस तरह से आप बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं, आखिर अब ये जो बहस है, ये जो बयानबाजी है, कहां तक आप देखते हैं? और एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि आखिर कोई डर है मोदी सरकार को कि सारे वहां पर जाएं तो स्थिति जो कह रहे हैं कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, डोभाल साहब भी जा रहे हैं मुख्यधार में कोशिश कर, आखिर किस बात का डर है? ये तो डर किस बात का है ये तो वही लोग बता सकते हैं। मैं तो ये जानता हूं कि ये स्थिति मैं नहीं समझता कि 5-6 महीने के पहले सामान्य हो पाएगी जी। तो क्या 5-6 महीने तक आप लोगों को नहीं जाने देंगे, उनके संवाद नहीं होने देंगे जी। क्योंकि ये 370 के जो प्रावधान हटे हैं उसका जो इम्पैक्ट है, उस पूर्णतः शांति और पूर्णतः कहते हैं सामान्य जीवन कश्मीर में 5-6 महीने के पहले नहीं हो पाएगा। तो क्या 5-6 महीने कोई नहीं जाएगा, वहाँ रोजगार के काम नहीं होंगे, वहाँ कर्फ्यू लगा रहेगा? तो लोगों को जाने दीजिए, मैं फिर इस बात को जोड़ दूंगा कि ये लोकतंत्र है, इसमें जाने दीजिए, लोगों को समझने दीजिए और लोगों को संदेश देना। कोई भी लोग देशद्रोही नहीं है, सब राष्ट्र के लोग हैं। ये कहना कि लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी अकेले बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो भी गवर्नर साहब के साथ उनका बातचीत हो रही है। बाकी मैं नहीं समझता कि लोग किसी भी विपक्ष के नेता ने 370 के बारे में कोई विरोधपूर्ण बयान दिया हो पिछले 7 दिन में। इवन सोनिया गांधी जो
अंतरिम अध्यक्ष है कांग्रेस की, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, एक बयान कांग्रेस का नहीं आया है या किसी पार्टी का नहीं आया। तो ये वो रोज रोज एक ही बात कहना कि ये सब पाकिस्तानी लोग हैं, ये सब तो ये तो उन लोगों के साथ कहते हैं बहुत बड़ा अन्याय है उन पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ जिन्होंने पूरा जीवन झोंक दिया इस देश के काम के लिए। उनके लिए बार बार एक ही आरोप लगाना कि ये पाकिस्तान के खड़े हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? मेरे को तो एक भी नहीं दिखा, मैं तो रोज अखबार पढ़ रहा हूँ, रोज टीवी देख रहा हूँ, रोज चैनल देख रहा हूँ, किसी ने भी नहीं बोला। ये सिर्फ भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं कि कहते हैं ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, मुझे तो आज तक एक भी नहीं बोलता हुआ नहीं देखा। शुरू में एक दो दिन जरूर कहते हैं गुलाम नबी आजाद और इन लोगों ने कुछ कुछ कहा था, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं समझता हूँ उसके बाद ही सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी है, उनने एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये प्रोपोगंडा करके कि लोग ये देशद्रोही हैं या देश में गंदे लोग बैठे हैं, हम ही सही लोग हैं, ये पूर्णतः अन्याय है, सब पार्टियों के साथ अन्याय है। इस तरह की बात ना करके सबको साथ लेके वहाँ के लोगों का खुशहाल जीवन हो, वहाँ के लोग अच्छे से रहें, जो लोग वहाँ से वापस आ गए हैं कश्मीरी पंडित उनको वापस बसाने की व्यवस्था की जाए, वहाँ पर जीवन जन जीवन को सामान्य किया जाए, टूरिस्ट आ जा सके और हम आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो कि कहीं ना कहीं अब विकास डेवलपमेंट की बात होना चाहिए, कैसे वहाँ के लोगों को तत्काल रिलीफ मिले, मुख्यधारा से जोड़े। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी चल रही है उससे आपको लगता है कि इस तरह के हालात, जिस तरह आपने कहा कि 5-6 महीने लगेंगे, मुझे लगता है शायद उससे भी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां जी जो स्थितियां परिस्थितियां कहीं ना कहीं उसका फायदा पाकिस्तान जरूर तलाश रहा होगा, क्योंकि इमरान खान जवाब नहीं दे पा रहे थे शुरू में। देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान कोई तलाश नहीं सकता जी। पाकिस्तान हिंदुस्तान की सेना के सामने चींटी के समान भी नहीं है। क्या हमारा ओरा इतना बड़ा है कि पाकिस्तान हमसे युद्ध करने या हमारे विरोध में बहुत बड़ी बात करने की, कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। ये जो फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान युद्ध कर सकता है, कभी भी तैयारी कर रहा है, उसने बॉर्डर पे कहते हैं हवाई जहाज तैनात कर दिए, ये सब बातें भय व्याप्त करने की बातें हैं। जो लोग भी कह रहे हैं ये मिथ्या है, पाकिस्तान कोई युद्ध नहीं कर पाएगा, इस देश में कोई युद्ध होने की स्थिति है नहीं, सिर्फ वहां पर शांति बहाली के प्रयास होने का काम होना। मेरे मित्र को सुन रहा था कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता कोई इस तरह के अब शब्द नहीं कह रहे हैं, बहुत साधन से बहुत सुंदर शब्दों का चिदम्बरम साहब ने उदाहरण दिया, बहुत 10 दिन पहले की बात है। अरे आज का है सर, आज का है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, बहुत अच्छे शब्द अय्यर साहब का आज का है, बहुत अच्छे शब्द पार्लियामेंट में मनीष तिवारी जी ने कहे, बहुत अच्छे गुलाम नबी आजाद ने कहे, बहुत अच्छे शब्द प्रियंका बहन जी ने कहे, बहुत अच्छे शब्द हमारी राजधानी में दिग्गी साहब कह रहे हैं। इससे बढ़िया सुर क्या निकल सकता है? मैं समझता हूँ ऐसा वक्तव्य तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भी नहीं है, जो वक्तव्य कांग्रेस के नेताओं आपने नाम गिना दिए, वक्तव्य बताए नहीं और ये कहना शुरू कर दिया कि ये लोग कह रहे हैं और ये कह रहे हैं, बताइए ना क्या कहा, जनता को मालूम पड़ना चाहिए ना। बिल्कुल तो सुनो कि आप ये जो नाम गिना के सब लोगों के बता रहे हैं कि मुझे बताइए मनीष तिवारी का वक्तव्य आपको नहीं पता क्या? आप बताइए ना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, तीनों मेहमानों का, अजय शाह साहब, चेतन सिंह जी और के सक्सेना साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जिस तरह से अभी इस पूरे मामले की बात करें, मुद्दे की बात करें, तो जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है और जिस तरह से राज्यपाल ने राहुल गांधी को बुलाया, फिर राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा विपक्ष के साथ में आएंगे, अभी तक जवाब नहीं आया, लेकिन 370 के बाद जिस तरह से सियासत देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में जिसकी बात होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए, वहाँ के लोगों का जनजीवन कैसे जल्दी से जल्दी व्यवस्थित हो उसकी बात होना चाहिए, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इस तरह के हालात या स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, न्यूज़ बुलेटिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। प्रिवेंटिव डिटेंशंस आर बीइंग कंटीन्यूअसली रिव्यूड एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस विल बी मेड बेस्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर असेसमेंट्स। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, as the restrictions get eased,
लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर विल बिकम कम्प्लीटली नॉर्मल। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन का दावा है कि घाटी में बहुत कुछ हालात काबू में आ गए और बाकी बचे जल्द ही काबू में आ जाएंगे। बहुत संभव है कि मुख्य सचिव बीएस सुब्रमण्यम के इस दावे में दम हो और जल्द ही घाटी में शांति कायम हो जाए, लेकिन सियासी तौर पर फिलहाल यहां कुछ शांत होता नजर नहीं आ रहा और इस संबंध में मोर्चा संभाल रखा है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने, जिनके बीच का ट्वीट वार इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कहां से शुरू हुआ यह मसला और अब तक कहां पहुंचा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने घाटी की हिंसा की खबरों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा पीएम मोदी को इस संबंध में सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल के इस बयान को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा मैं राहुल को न्योता देता हूं, उनके लिए प्लेन भेज रहा हूं। राज्यपाल ने राहुल गांधी को जमीनी हालात जानने की सलाह भी दी। राहुल ने पलटवार करते हुए कहा मैं कब जम्मू कश्मीर आ सकता हूं। राहुल ने कहा मैं विपक्षी दलों के साथ वहां जाऊंगा, मुझे लोगों से मिलने दें। इस ट्वीट पर राज्यपाल का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर ट्वीट किया। राहुल ने फिर कहा मैं बिना शर्त जम्मू कश्मीर आना चाहता हूं, बताइए कब आ जाऊं। कुल मिलाकर इस वक्त घाटी के हालात ने राज्यपाल और राहुल गांधी के बीच एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है जिसके आसपास मामले से जुड़ी सियासत सिमट गई है। हालांकि इस संबंध में बीजेपी ने अभी तक सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आगे चल के ये मसला कितना तूल पकड़ता है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।